कसौटी जिंदगी की। अनुराग का इस वक्त कुल मिला के सिर्फ एक ही मोटिव है और वो है प्रेरणा के पति को ढूंढना। जब से अनुराग ने वो नर्सिस की बातें सुनी हैं कि प्रेरणा के पति ने उसे छोड़ दिया है, इस बात से अनुराग बहुत परेशान है और अब वो किसी भी हाल में प्रेरणा के पति को ढूंढना चाहता है, उस तक पहुंचना चाहता है। जल्दी आप देखेंगे प्रेरणा की माँ और शिवानी बात कर रहे होंगे, जहाँ प्रेरणा की माँ बहुत ही गुस्से में कहती है कि अनुराग मुझसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकता है, प्रेरणा का पति कौन है, ये सवाल मुझसे कैसे पूछ सकता है। आज मैं उसे बता के रहूँगी कि प्रेरणा का पति कोई और नहीं, वो खुद है। और ये बात अनुराग सुन लेता है। प्रीव्यू में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। अब ये सब कैसे होता है, चलिए बात करते हैं। आप देखेंगे अनुराग उस नर्स की बातें सोच रहा होगा। उन दोनों नर्स जो बात कर रही थी कि प्रेरणा का पति उसे छोड़ चुका है, कितना घटिया इंसान है वो, इस कंडीशन में प्रेरणा को छोड़ गया, ये बात अनुराग के दिमाग से निकल ही नहीं रही है। वो बहुत परेशान है और वो हॉस्पिटल में यही सोच सोच के घूम रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रेरणा के पति ने इतनी क्यूट सी प्रेरणा, इतनी समझदार सी प्रेरणा, इतनी स्ट्रांग सी प्रेरणा को कैसे छोड़ सकता है। और वो इस बात को जानने की कोशिश करता है और तभी सोनालिका का फ़ोन आता है। सोनालिका को चैन तो है नहीं, उसे पता है कि अनुराग प्रेरणा के साथ है, तो वो एक सेकेंड भी चैन की सांस कैसे लेगी और ना ही अनुराग को लेने देगी। वो तुरंत अनुराग को फ़ोन करती है और अनुराग उसका फ़ोन देके हर बार की तरह इरिटेट हो जाता है और वो उसका फ़ोन उठा के कहता है आई विल कॉल यू और फ़ोन काट देता है। सोनालिका और गुस्से में हो जाती है। अनुराग कुछ भी बात नहीं करता, सीधे इतना कह के फ़ोन काट देता है। सोनालिका वहाँ तड़प रही है कि कहीं अनुराग और प्रेरणा एक दूसरे के करीब तो नहीं आ रहे। प्रेरणा शर्मा उससे क्यों छीनना चाहती है उसके पति को। सोनालिका कहती है भगवान करे प्रेरणा मर क्यों नहीं जाती। खैर उधर डॉक्टर अनुराग को बताते हैं कि बच्चा और माँ दोनों ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, ये कुछ दवाइयाँ हैं जिन्हें लेकर जाना है। अनुराग प्रेरणा को लेकर उसे घर पहुँचता है। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है, सामने अनुराग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। प्रेरणा माँ परेशान ना हो तो प्रेरणा पहले ही माँ को बोल देती है कुछ नहीं आज मैं जल्दी छूट गई तो घर आ गई। प्रेरणा की माँ कहती है जब तुम झूठ नहीं बोल पाती हो, तुम्हें पता है झूठ पकड़ा जाएगा तो कोशिश ही क्यों करती हो। अनुराग सारा सच बताता है कि घर में सोनालिका को करंट लग गया था और उसे बचाने के चक्कर में प्रेरणा को भी करंट लग गया। उसकी माँ शॉक्ड हो जाती है, बहुत परेशान होती है, उसे पकड़ के अंदर ले जाती है। अनुराग को वो भी कहती है कि तुम भी अंदर आओ। अनुराग यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहा है कि कैसे भी करके वो प्रेरणा से इस सवाल का जवाब मांगे कि उसका पति कहाँ है। वो प्रेरणा को बैठाता है, उससे बातें करता है, तबीयत कैसी है ये पूछता है। अनुराग की शक्ल को देखकर वैसे प्रेरणा को डाउट हो गया है कि ये ज़रूर कुछ सवाल पूछने वाला है, ज़रूर इसके मन में कुछ चल रहा है, ज़रूर ये परेशान है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में तो अनुराग ठीक था, अचानक ही क्या हो गया। तभी अनुराग प्रेरणा से कहता है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, उन्हें कॉल करना चाहिए इस वक्त। प्रेरणा कहती है वो अब्रॉड में है। अनुराग को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि पहले, बहुत पहले प्रेरणा ने जवाब दिया था कि वो कलकत्ता से बाहर है और आज वो जवाब दे रही है कि वो अब्रॉड में है। अनुराग कहता है लेकिन फिर भी उनकी फ़ोटो नहीं है इस कमरे में, ये तुम्हारा कमरा है। प्रेरणा कहती है मुझे फ़ोटोज़ लगाना अच्छा नहीं लगता, दीवार पर इस तरह फ़ोटो टांगना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं लगाती। अनुराग कहता है लेकिन उन्हें कॉल करके बताना चाहिए कि आज तुमने बच्चे की हार्टबीट सुनी। प्रेरणा कहती है यस मैं भी कॉल करती हूँ, मेरा फ़ोन यहाँ पर नहीं है। अनुराग अपना फ़ोन देता है। प्रेरणा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि कोई हस्बैंड है ही नहीं जो है वो सामने है, उसका जवाब कैसे दे। और तभी माँ आती है, वो अनुराग को और देर बैठने को बोलती है और अनुराग कहता है नहीं मुझे घर जाना है। और तभी सोनालिका का फ़ोन आता है। अनुराग सोनालिका को कहता है कि सॉरी मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। सोनालिका को अच्छा लगता है, चलो अनुराग ने अपनी गलती तो एक्सेप्ट की। अनुराग फिर उसे कहता है कि मैं जल्द से जल्द घर वापस आ रहा हूँ। अनुराग के जाते ही प्रेरणा बहुत परेशान हो जाती है। उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि अनुराग अब इस सवाल के पीछे पड़ गया है, अब वो इस सच को जानना चाहता है। पता नहीं क्या होने वाला है, प्रेरणा क्या जवाब देगी अनुराग को। और तभी शिवानी आती है, वो देखती है प्रेरणा अंधेरे कमरे में बहुत परेशान है। प्रेरणा शिवानी को बोलती है कि अनुराग इस बच्चे के पिता के बारे में जानना चाहता है, मेरे पति का नाम जानना चाहता है। शिवानी कहती है उसे बता दो कि तुम ही हो। प्रेरणा को पता है ये मजाक है लेकिन ये चीज़ें कैसे होगी। और तभी आप देखेंगे अनुराग घर पहुंचता है। सब लोग जैसे सिर्फ अनुराग का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं, सब बोलते हैं अनुराग को एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और तभी अनुराग को देखकर सोनालिका की ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है, भाग के अनुराग के गले लगती है। अनुराग को उसके गले लगने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुलायम को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भी सोनालिका अनुराग के करीब होती है। खैर सब लोग बताते हैं कि अनुराग की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है आज। जिस कंपनी को अनुराग ने ख़रीदा था अभी हाल ही में, जहां प्रेरणा जॉब करती है, उस कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो भी डॉलर्स में। अनुराग और पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। ऐसे में मोहिनी टॉन्ट मारती है
कि ये खुशी लाई है सिर्फ सोनालिका, वो उस घर की खुशियाँ बन के आई है। सोनालिका की तीखी मुस्कान और मोलॉय का फिर से सरदर्द की मोहिनी फिर से शुरू हो गई। अनुराग अपने कमरे में जाता है और वहाँ सोनालिका से कुछ कहने की कोशिश करता है। पहले वो अपना कवर्ड खोलता है, उसे वो शर्ट मिलती है, वो पुरानी शर्ट मिलती है जिसपे प्रेरणा के लिप्स के निशान होते हैं। अनुराग फिर से उस शर्ट को देखता है, उन लिप्स के निशान को देखता है और फिर से फ्लैशबैक में जाता है। उसे इस बार यकीन हो गया है कि ये लड़की जो मेरे फ्लैशबैक में दिखती है, वो जो आवाज़ है वो प्रेरणा शर्मा की ही है। तभी वहाँ पे सोनालिका आ जाती है। वो सोनालिका से पूछता है, सोनालिका ये शर्ट पे जो लिप्स के निशान हैं तुम्हारे हैं? उसे पता है सोनालिका ना का जवाब देगी क्योंकि ये सोनालिका का नहीं है, लेकिन सोनालिका हाँ में जवाब देती है। उसे तो हर चीज़ में खुद की करनी है। अनुराग को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। उसे सोनालिका से कहा, मुझे लगा तुम नहीं कहोगी, क्योंकि जब भी मैं इस निशान को देख रहा हूँ मेरे दिमाग में फ्लैशबैक आते हैं और सोनालिका मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सोनालिका पूछती है क्या? अनुराग कहता है, मैं जब भी फ्लैशबैक में जाता हूँ, आवाज़ें सुनता हूँ, वो प्रेरणा की आवाज़ होती है। हमेशा प्रेरणा से मैं बहुत क्लोज फील करता हूँ। मेरा पास्ट जुड़ा है प्रेरणा से, मुझे इस बात का अब यकीन है। सोनालिका बहुत परेशान हो जाती है। जिस चीज़ को वो बचा रही थी, जिस चीज़ से वो डर रही थी, फाइनली धीरे 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 वो होती जा रही है। अनुराग प्रेरणा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी तरफ झुक रहा है और वो बच्चा कहीं ना कहीं अनुराग को अपनी तरफ खींच रहा है। सोनालिका टेंशन में आ जाती है कि कहीं अनुराग सच में प्रेरणा का ना हो जाए। वो उसे बैठाती है और कुछ बातें करती है। वो अनुराग को फिर से अपनी पट्टी पढ़ाने की कोशिश करती है। उसे पता है अनुराग बहुत इनोसेंट है। वो अनुराग को कहती है, अनुराग मुझे पता है प्रेरणा तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, ऐसे में उसके लिए एक अच्छी फीलिंग होना, बहुत क्लोज होना, उसकी केयर करना ये नॉर्मल बात है, पर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के करीब रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। सोनालिका की ये बातें अनुराग के कानों में भी नहीं पड़ रही है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ प्रेरणा और बच्चे की धड़कन चल रही है। फिर भी अनुराग सोनालिका को कहता है, आई एम सॉरी, मैं ट्राई करूँगा कि हम एक दूसरे को समझ सकें। तभी सोनालिका एक नया दांव चलती है। वो अनुराग के नेचर को देख कर इस तरह से चाल चलती है। वो अनुराग को कहती है कि हम लोग क्यों ना दोस्त बने पहले। अनुराग वहाँ से सर हिला के हट जाता है। कमौलिका कमौलिका, अब तो समझो यार कि अनुराग के दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा है। वहीं दूसरी तरफ माँ प्रेरणा को बैठाती है और उससे कहती है, यानी प्रेरणा की माँ उसे कहती है, अब से तुम बासुवाड़ी नहीं जाओगी। प्रेरणा अपनी माँ की तरफ देखती है और साफ मना कर देती है। बोलती है, मैं बासुवाड़ी जाऊँगी, अनुराग के पास रहूँगी। प्रेरणा ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि कमौलिका है वो, सोनालिका नहीं कमौलिका है वो, अनुराग को नुकसान पहुँचाएगी, उस घर को नुकसान पहुँचाएगी और प्रेरणा ऐसे नहीं होने देना चाहती। इसीलिए बहुत पहले ही उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो अब अनुराग को अकेला नहीं छोड़ेगी, जॉब को नहीं छोड़ेगी। उसकी माँ उसके इस ना के जवाब पर उस तरफ देखती है। प्रेरणा अपनी माँ को समझाती है, माँ अनुराग मेरे आसपास रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकती। भले ही उसे वो 2 साल ना याद हो, मैं ना याद हो या बच्चा ना याद हो, लेकिन मुझे अनुराग के आसपास जब मैं रहती हूँ तो मैं सांस ले सकती हूँ। फिर वो माँ से एक सवाल करती है, मेरी जगह आप होती तो क्या आप पापा के साथ ऐसा करती? उसकी माँ का जवाब प्रेरणा के सामने था। माँ बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। प्रेरणा दरअसल किसी भी हाल में, जब से उसे पता चला है कि कमौलिका वापस आ गई है, वो अनुराग को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। और वहीं दूसरी तरफ सोनालिका और अनुराग और बीच में तकिया, भगवान करे ये तकिया कभी ना हटे, दोनों सो रहे होते हैं। और तभी अनुराग को वो सपना आता है, वो जो बच्चे की हार्ट बीट सुन रहा था, इतनी प्यारी सी स्माइल करता है, उसे लगता है ओ माय गॉड कितना क्यूट मोमेंट था। और तभी वो चौंक जाता है, सोनालिका भी चौंक जाती है, क्या हो गया अनुराग, तुम चिल्लाए क्यों? अनुराग यहाँ पे वो बात बताता है जिसे सुनकर सोनालिका के पैरों तले ज़मीन दुनिया सब निकल जाती है। अनुराग यहाँ सोनालिका को बताता है, सोनालिका आज मैंने प्रेरणा के बच्चे की हार्ट बीट सुनी, उस हार्ट बीट को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था वो मेरी धड़कन है, मेरी जान है। सोनालिका को ये बात तो समझ में आ रही है कि खून खून को खींच रहा है और वो इसी बात से डर रही थी। उसे पता है प्रेरणा का बच्चा अनुराग और प्रेरणा को मिलाने की सबसे बड़ी कड़ी बन सकता है और इस बात से वो हमेशा डर रही थी। फाइनली अनुराग जब इस बात को बता रहा होता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी फीलिंग्स सोनालिका को समझ में आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि अनुराग के ऊपर अब पूरी तरह से प्रेरणा और उसका बच्चा हावी हो चुका है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। सोनालिका खुद से कसम खाती है कि वो किसी भी हाल में प्रेरणा के बच्चे को इस दुनिया से मिटा कर रहेगी। वो अनुराग और प्रेरणा को एक साथ कभी नहीं होने देगी। कमौलिका कमौलिका कमौलिका,
खुद से कहती है, खुद से वादा करती है और एक बार कमोलिका का वो चेहरा सामने आ जाता है। कभी कभी ये लगता है कमोलिका जब ये हरकतें कर रही हो, जब ये सारा कुछ कांड कर रही हो, कोई तो देख लो यार इस पूरे घर में, कोई तो देखो कि ये कमोलिका है, किसी को तो शक हो इस पर। खैर उधर अनुराग को जो अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके लिए कल बहुत बड़ी पार्टी होगी इस घर में। मोहिनी, निवी, अनुपम और मिस्टर मुलॉय बहुत खुश हैं और सब लोग ने कहा है कि एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे क्योंकि अनुराग के ज़िंदगी की काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुराग पहुंचेगा प्रेरणा के घर और वहां पर जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा सामने प्रेरणा की माँ होगी। वो प्रेरणा की माँ से कहेगा कि कल घर पर बड़ी पार्टी है तो मैं आप सभी को इन्वाइट करने आया हूँ और साथ आप सब आए और साथ में प्रेरणा के हस्बैंड को भी लेके आए। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, उन्हें इस वक्त प्रेरणा के साथ होना चाहिए, आखिर वो कहाँ है। प्रेरणा की माँ अनुराग के मुझे ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है, आखिर वो माँ है, उसे पता है उसकी बेटी क्या क्या झेल रही है। वो बहुत गुस्से में आकर अनुराग को कहती है, तुम ऐसे सवाल मुझसे पूछ कैसे सकते हो, तुम्हें जानना है ना कि प्रेरणा का पति कौन है, रुको मैं अभी बताती हूँ। और वो अंदर की तरफ जाती है, वो फोटो उठा रही होती है अनुराग की और लेके आ ही रही होती है कि शिवी उसे पूछती है क्या हुआ। वो शिवी को बोलती है, प्रेरणा की माँ शिवी को बोलती है कि अनुराग मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकता है, वो पूछ कैसे सकता है कि प्रेरणा का पति कौन है, कहाँ है, उसे इस वक्त प्रेरणा के साथ होना चाहिए, इस कंडीशन में उसके साथ होना चाहिए। आज मैं उसे बताऊंगी कि उसका पति कोई और नहीं, वो खुद है, वो बच्चा उसका है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुराग ये सारी बातें सुन लेगा। वैसे जहां तक हम और आप मेकर्स को जानते हैं, इतनी जल्दी रिवील नहीं करेंगे, इतनी जल्दी अनुराग को इस बात का सच मतलब इस बात को पता नहीं चल पाएगा और ना ही अनुराग की याददाश्त इतनी जल्दी आएगी। अब इस प्रीव्यू का क्या मतलब है, क्या अनुराग को सच में पता चल जाएगा, वो उनकी बातें सुन लेगा? ये पूरी फैमिली कल बासुवाड़ी पहुंचेगी पार्टी के लिए तो वहां पे क्या ड्रामा होगा, सोनालिका और मोहिनी इनकी कैसे बेइज्जती करते हैं, ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।